पी लेते, अब क्या करे जब मिल रहा है तो। ये दीजिए नहीं तो फोन आपका खो जाएगा। प्रेम भैया ने मंगाया गैस, सब बनाएंगे दिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद न्यू ब्लॉग। तो मॉर्निंग हो चुकी है और कल ग्रहण लगा था तो इसलिए आज जल्दी जल्दी नहा लें, क्योंकि मम्मी बोलते हैं ग्रहण लगता है तो जल्दी नहा लें करो, उसके बाद कुछ खाया करो। और तो आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा क्योंकि काम चल रहा है छत पे, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग प्लीज़। एंड आज जाने वाली हूँ बाहर, क्योंकि ना मेरा चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने दीदी से बोला कि चलिए मेरे साथ, मुझे चिकन खाना है तो आज जाने वाले हैं। और नहा कर रेडी हो गए, हेयर वॉश भी किया है मैंने, बाकी मुझे भूख बहुत लगा, कल दोपहर का खाना खाई हूँ तो दीदी का बस वेट करें, साथ में खाएंगे। और बाकी यहाँ पे मैं देख रही हूँ YouTube ब्लॉग चैनल एंड मिलते हैं। और मैं चिकू भी नहाया, वो भी शुद्ध हो गया नहा कर, तो उसको भी नहला दिया गया है एंड चलते हैं, मिलते हैं भी आपसे। क्या चाहिए? चिकू मुझे घूर घूर के देखा है, फिर इसको ये चाहिए, थोड़ा सा कहीं भी मीठा समय या फिर कुछ भी खाते हुए देख लिया ना, ऐसा देखेगा तो मन करेगा कि थोड़ा उठा के उसी को दे दो। मैं भी दीदी का वेट कर रही हूँ, मुझे भूख बहुत चल जाएगा, तो मम्मी ने ये बनाया है तो दे खाती हूँ। क्या यहाँ पे बन रहा है पूरी, इन्होंने बोला था पूरी बनाकर खाया जाएगा और बाहर भी जाना है, तो हम लोग जल्दी खा रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं। आप भी और सारा छान लीजिए फिर एक साथ खाएंगे, ठीक है? यहाँ पे चीकू का अंडा है, बॉईल हो रहा है, भूखा भूखा है। तुम छान दो और हम बेल दे रहे हैं, फटाफट हो जाएगा। हम छान, अच्छा ठीक है, बेल कर रखिए 4-5 एक साथ साथ। देखो यहाँ पे थाली में सब्जी सब्जी और ये प्लेट में हमने लिया, एक में ही हम लोग खाने वाले हैं। और ये है जलेबी, जलेबी जो कि हम लोग ज़्यादा नहीं खाते इसलिए थोड़ा ही लिया है। चिकू है ना, मेरा चिकू भी पूरी खाता है ना, चिकू जलेबी खाता नहीं है, वो खाएगा देखो कैसे खाए, ऐसा है। क्या हुआ, क्या चीनी भी डाली होंगी? ढेर सारा डाली होंगी, मीठा बहुत होगा। आप अपने लिए भी बनाई है? ठीक है, ब्रेड भी आए हैं, ब्राउन ब्रेड नहीं लेंगे, बस कॉफी लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी मेरे लिए कॉफी ला रही हैं, बैठे बैठे बहुत सेवा मिलता है मुझे, बहुत सेवा। मैं बोलती हूँ मुझे मत दिया करिए मम्मी, दरवाजा बंद कर दी मुझे, मतलब मैं मम्मी बोलते मुझे मत दिया कीजिए, मुझे अच्छा भी नहीं लगता बार बार मम्मी ला कर देती हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं खुद से अपना ले लूँ, बट ये पूछने लगती हैं कि ला दो क्योंकि बनाकर और बना चुकी हैं भैया के लिए, तो मेरे लिए भी बनाई है, तो पी लेते हैं अब क्या करें जब मिल रहा है। ब्राउन बीज मिर्चा धनिया मिर्चा, अच्छा दिखाइए। पापा मुझसे बोल रहे हैं कि एक्सपायरी डेट देखने के लिए, क्योंकि पापा ना बहुत कम डेट वाला लाते हैं। कहा था 3 तारीख तक चलिए, हाँ सही है 3 तारीख का है का एक्सपायरी डेट रहता है, तो पापा ब्रेड लेकर आते हैं, मतलब रखा हुआ फ्रेश ब्रेड नहीं लाते हैं, तो मैं उनको बोली हूँ कि एटलीस्ट 2-3 दिन तक चलना चाहिए, मतलब आप वो देख लिया कीजिए डेट की सही है कि नहीं, फ्रेश ब्रेड लाए कीजिए, क्योंकि 2-3 दिन चलता ही है, ब्राउन ब्रेड सब लोग नहीं खाता, सिर्फ हम ही लोग, भैया मैं मम्मी, तो 3-4 दिन चल जाता है, इसलिए मैंने बोला फ्रेश लाए कीजिए ब्रेड, एक्सपायरी हो जाए तो एक्सपायरी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपके पास बोला। तो आज पापा मुझे दिखा रहे हैं कि डेट कब तक का है। इस पे क्यों लग गया, मम्मी बहुत कॉफ़ी देती हैं यार, मम्मी कॉफ़ी बहुत नहीं, हाँ एक पैकेट और चलिए हम आ रहे हैं, नहीं एकदम वाइट वाइट है, हम आ रहे हैं। मम्मी एकदम ना कॉफ़ी कम डाली है, मुझे डार्क कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें एक पैकेट और कॉफ़ी डालने वाली हूँ, मज़ा नहीं आता है जब तक कड़क नहीं रहता है। चॉइस कीजिए, चॉइस लड़ाइए, अभी तक काफ़ी हो, हाँ अभी अभी हम ले कर आए हैं, तो पापा का कॉफ़ी का कम
मेरा भी है, तो मैंने ला दिया, इसमें एक पैकेट और मिला है, थोड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। होगा कॉफ़ी टाइम, थोड़ा सा गिर गया, इग्नोर करना। मैं पीना चाहती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ आदत छोड़ दूँ चाय कॉफ़ी पीने का, पर मम्मी ज़बरदस्ती मुझे दे देती हैं। अब इतना ज़बरदस्ती करती नहीं, ले लो पी लो पी लो, इसलिए पीना पड़ता है भाई। इतने प्यार से लाती हैं तो क्या करूँ, कितना बार मना करूँ। तो आज मैं मार्केट जाने वाली थी बट मैं नहीं गई, क्योंकि 1 बजे मैंने, मतलब मैं दीदी लंच की हैं, दीदी ने बनाया था पूरे, और पेट इतना फुल हो गया था ना कि मतलब खाने का मन ही नहीं करता, और जब तक खाने का क्रेविंग ना हो ना तब तक मज़ा नहीं आता कोई चीज़ खाने का। खाना खाने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था खाने का, बट हमारा प्लान था कि शाम में जाएंगे, और अभी पेट एकदम फुल है तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग नहीं गए। सुनिए खड़े हुई हैं, कुछ दिखाना है? आइए, सच बता रहे हैं, बहुत काम का चीज़ है। अरे सुनिए तो कुछ, एक सेकंड सुनिए, आपके लिए कुछ रखे हैं टेबल पे। सच में बता रहे हैं दीदी, ये काम ही है तुम्हारा। ये है मेरा काम, आप एक बार देखिए तो सही, टेबल पे कुछ आपके लिए रख दिए हैं। चश्मा दे? नहीं, दे दीजिए। दीदी आपके आपके फोन की कसम, देंगे कि नहीं चश्मा? दीदी दीजिए, नहीं तो फोन आपका खो जाएगा। चलो ठीक, खो जाएगा, घर से बाहर जाती है ना। अरे एक खोता है और एक लोग खोवा देते हैं। इतना देना तुम खुद ले ली होती। हम नहीं, दे दीजिए यार, उठने का मन नहीं कर रहा है। दे दीजिए दीदी, के गया फोन। दीदी दे दिया एक काम, ब्रेड रख के हो गए, खुद गायब। काजिन गई नहीं मेरे साथ, मतलब मैं नहीं गई इनके साथ, इसलिए बोल रही कि तुम्हारी वजह से आज भूखे रह गए, तो इसलिए बना रही है खुद के लिए सैंडविच। ये क्या है? गरम दूध ही गरम तो दे दीजिए यार, तुमको थोड़ा सा जूठा कर दे। तो व्रत है तो कौन व्रत है? हाँ मैं कुछ भी ऐसा लग रहा, हम जानते नहीं, हम घर में रहते ही नहीं। तो काम दे, ब्रेड जला दी, ध्यान नहीं दिया, एक साइड का देखो हो गया, एक साइड का देखो इतना चल जाएगा, काम बोला तुमको तो वो भी नहीं करने आता। आप ही ना बात करने लगी है, हम बात कर रहे हैं। ब्रेड जल गया, ब्रेड जल गया, वीडियो के चक्कर में मैंने मंगाया एक गैस, वायरपूल का है, गैस नहीं है बेवकूफ। क्या है इसको, चूल्हा बोलते हैं कि छोटे वाले को चूल्हा बोलते हैं? इसको चूल्हा बोलते हैं, जो सिलेंडर होता है उसको गैस बोलते हैं। अच्छा तो इसको चूल्हा, सच में चूल्हा थोड़ी ना बोलते हैं। तो ये लेकर आए नए वाले घर के लिए, बहुत हैवी है, तो हम आपको ऊपर ऊपर ही दिखाते हैं। अब ये ओ गिर गया, तो अभी मैं ये घर, नए वाले घर में जाएगा, लगेगा, और अभी कल जाएगा लगने के लिए। काफ़ी हैवी है, नहीं तो मैं आपको खोल के दिखाती, बट खोल के क्या है, क्योंकि ये जाना है ना इसलिए मैं खोल भी नहीं पाऊँगी। यहाँ पे ये खा रही है, एक बार मेरे को पूछी भी नहीं, अकेले अकेले खा रही है, अकेले अकेले। तो यहाँ पे मैं गई थी भी छत पे, और मम्मी लेकर आई मिट्टी, क्योंकि इसका बनाएंगे दिया। तो अभी मैं आई हूँ छत पे, जो कि बिल्कुल दिख नहीं रहा है, और चाचा ने बोला मम्मी को नीचे लेते आओ, क्योंकि छत पे इतना सामान फैला हुआ है ना, तो उन्हें चोट लग गया था, इसलिए उन्होंने बार बार मुझे बोले जाओ नीचे लेकर आओ। अभी बज रहा है 7, मम्मी कहाँ है, मिल नहीं रही है। मम्मी मम्मी बुला रहे हैं, अच्छा नीचे चलिए, अच्छा चोट लग जाएगा। अरे नहीं हम आ रहे हैं ना, नीचे बात कर लीजिए, हमको बार बार भेज रहे हैं। चिकू पिकू जा रही हूँ बनाने मैगी, और मम्मी बना रही है रोटी सब्जी, जो कि मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ बनाने नूडल्स, और ये खाकर ही मैं सो जाऊँगी और नहीं खाऊँगी। बहुत दिन बाद बना के खा रही हूँ, बहुत दिन हो गया, जल्दी नहीं खाती हूँ, मतलब अनहेल्दी से जल्दी नहीं खाती हूँ, बट मन करता है बट खाती नहीं हूँ। तभी मैं फटाफट मैं यहाँ पे मिर्ची डाल दी हूँ, और मैं सिंपल वाला बना रही हूँ सिर्फ मैगी, और ये मैं थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए अलग से मिर्ची में डाल दी हूँ, बस ये मैगी डालूँगी, मैगी में सारा नमक बस। बहुत दिन बाद खा लिया मैगी। किचन में हो
मैगी बन चुका है, बहुत ही एकदम क्विक मैगी मैंने बनाया फटाफट। दो तीन पाँच मिनट लगा होगा यार, दो मिनट में कभी नहीं बनता है। पाँच मिनट लगा इसको बनाने में। मिर्चा नमक सिर्फ अलग से मिर्चा और नमक ही डाला है मैंने। ब्लॉग यहीं तक, वीडियो कैसा लगा आपको बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय। एंड आप ना सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। अभी तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे यार, थोड़ा बहुत व्यूज़ भी आते तो वो भी नहीं आते, तो सपोर्ट करो। और चैनल को अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज़। बाय बाय।